नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे पीएसयूज की बात करेंगे, जो कि हम गेट के एग्जाम्स देते हैं। गेट के एग्जाम्स देने के बाद अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो उसके कट ऑफ के हिसाब से आपको डिफरेंट पीएसयूज में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए हम पीएसयूज की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पीएसयूज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं कि पीएसयूज को जो गवर्न कौन करता है, तो उसको गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है उसको वो गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, तो और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो द कंपनी स्टॉक्स नीड्स टू बी मेजोरिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी ए पीएसयू। जो उसका जो कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, पीएसयूज का हम ले लेते हैं, जैसे ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, NTPC, GAIL, HAIL, जितनी भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो उसका जो मैक्सिमम जो स्टॉक्स होगा, उसका शेयर होगा, वो कंपनियां अपने पास रखेंगे। एटलीस्ट कंपनी, उस कंपनी का जो गवर्नमेंट है, कम से कम 51% शेयर अपने पास रखती हैं, ताकि जो कंपनी के जो 49 शेयर्स हैं वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स, कोई 1%, कोई 2%, कोई 0.5%, इस तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लिए रहते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके जितने भी 49 शेयर्स हैं वो सारी खरीद भी लेता है, फिर भी उस कंपनी का वो मालिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका 51 शेयर है। इसलिए गवर्नमेंट इसको कम से कम 51 रखती ही रखती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होता, तो 51% शेयर रखती है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर है CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, आर कंपनीज इन विच द डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर CPSEs इज 51%। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हो कम से कम वो 51% शेयर अपने पास रखती है। मोर दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द, जो और जो कंपनियां होती हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटेड होती हैं इससे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज से, इससे वो क्या सब रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, और जो कंपनी जो पीएसयूज होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक है महारत्ना, दूसरा नवरत्ना, तीसरा है मिनी रत्ना। और मिनी रत्ना का भी दो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड। तो कोई कंपनी है उसको कब महारत्ना का दर्जा दिया जाता है, कब नवरत्ना का दर्जा दिया जाता है और मिनी रत्ना का, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि महारत्ना का मतलब क्या है, मतलब उस कंपनी के पास उसको कितना, उसको परमिशन है कि वो एक प्रोजेक्ट है उसमें कितना अपना रुपया इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट सरकार की परमिशन के। वो अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, और इसी तरह से नवरत्ना भी कुछ क्राइटेरिया है और मिनी रत्ना के भी कुछ क्राइटेरिया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है महारत्ना, यहाँ पर दिया हुआ एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर जो होगा वो एलिजिबिलिटी है और यहाँ पर है वो इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट मिलता है इन कंपनियों को, वो कितना मिलता है। तो चलिए हम महारत्ना की पहले बात कर लेते हैं। तो महारत्ना में क्या है कि महारत्ना, किसी कंपनी को महारत्ना का दर्जा दिया जाता है अगर उसके पास ये चीजें हैं, अगर ये फुलफिल कर रहा है एलिजिबिलिटी, 3 years विथ एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ओवर ₹5,000 करोड़। ठीक है, मतलब उस कंपनी को जो एनुअल पिछले 3 साल का देखा जाता है, अगर एनुअल उसका जो प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको महारत्ना का दर्जा दे दिया जाता है। अगर इतना नहीं है तो उसका जो एवरेज एनुअल नेट वर्थ है वो 10,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, वो 10,000 करोड़ होना चाहिए जो एनुअल उसका वर्थ है, पिछले 3 साल का देखा जाता है कि उसका एनुअल एवरेज वर्थ कितना है। तो अगर उसका 10,000 करोड़ है तो उसको महारत्ना का दर्जा दे दिया जाता है। और तीसरा, अगर ये नहीं है तो तीसरा एवरेज एनुअल टर्नओवर, अगर जो कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ के पार हो गया, 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड से। ठीक है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है तो अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया तो उस कंपनी को महारत्ना का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि महारत्ना जैसे कोई कंपनी बन गई तो उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, वो कंपनी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ₹1,000 करोड़ to ₹5,000 करोड़ और फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ दियर नेट वर्थ इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कंपनी बिना सरकार की परमिशन लिए अपनी मर्जी से किसी भी प्रोजेक्ट में, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसमें 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है और
जो उसका जो नेटवर्थ है वो उसका 15% या फिर उसका मान लीजिए जो जितने भी नेटवर्थ है उसका उसका 15% वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट सरकार की परमिशन के बिना भी वो अपने प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमने महारत्ना की बात की। अब चलिए हम बात करते हैं नवरत्ना की कि किसी कंपनी को नवरत्ना का दर्जा कब दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इन सब चीजों के लिए कि ये मिनी रत्न होनी चाहिए, सबसे पहले ये मिनी रत्न होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो ये फर्स्ट भी ये मिनी रत्न, दूसरी बात इसके जो कंपनी को जो रन करते हैं जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, तो उसमें से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो उस कंपनी को नवरत्ना का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, ये क्या क्या कर सकती है देखते हैं। अप टू 1000 करोड़ मतलब और 15% ऑफ दियर नेट वर्थ, माने सिंगल प्रोजेक्ट, मतलब किसी सिंगल प्रोजेक्ट इस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में वो 1000 करोड़ रुपए तक वो बिना सरकार की परमिशन के उसमें इन्वेस्ट कर सकती है और उसका सिंगल प्रोजेक्ट में इतना कर सकती है। और 30% यदि 30% दियर नेट वर्थ इन द होल ईयर, अगर हम एक बार एक साल की बात करें तो 30% तक इन्वेस्ट कर सकती है उसका जो नेटवर्थ है, लेकिन वो भी उसका 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो लिमिटेशन है वो है 1000 करोड़, मतलब जो कंपनी है उसको परमिशन नहीं है कि वो 1000 करोड़ से ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये हुआ ऑल अबाउट द नवरत्ना। ठीक है, ये हो गया नवरत्ना के बारे में, हम बात करते हैं मिनी रत्ना की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनी रत्ना की दो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं मिनी रत्ना और कैटेगरी फर्स्ट की। ठीक है, तो कोई कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा कब दिया जाता है चलिए देखते हैं। ये हैव मेड प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए कंटिन्यूअसली और अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपये 30 करोड़ और मोर इन वन ऑफ द 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब इसमें जो कंपनी है जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए एवरेज की बात करें 3 साल में, पिछले 3 साल में उसका नेट प्रॉफिट एवरेज वो 30 करोड़ से पार हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो 30 करोड़ का जो प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं टर्नओवर या नेटवर्थ की बात नहीं कर रहे, तो जो उसका प्रॉफिट है वो 30 करोड़ के पार पहुंच जाता है तो कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया जाता है। और इसमें इसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, अप टू 500 करोड़ और इक्वल टू दियर नेटवर्थ विच इज एवरेज लोअर, मतलब ये कम से मतलब इतना मैक्सिमम 500 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट सरकार की परमिशन के। ठीक है, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी ये इसमें इन्वेस्ट कर सकता है किसी प्रोजेक्ट में, इसमें इनको सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी सेकेंड की, मिनी रत्न कैटेगरी सेकेंड की। ठीक है, तो ये क्या हैव मेड प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंड शुड हैव ए पॉजिटिव नेटवर्थ, इसका जो नेटवर्थ वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है, तो अप टू रुपये 300 करोड़, जो इस कंपनी में कैटेगरी सेकंड की बात करें तो कंपनी के पास अथॉरिटी और उसके पास इतना वो है कि वो किसी कंपनी में 300 किसी प्रोजेक्ट में अपना 300 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो महारत्नास हैं और नवरत्नास कंपनियाँ हैं। देखिए यहाँ पर हम महारत्ना की बात करते हैं, यहाँ पर तो महारत्ना में आता है ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये एंड ये हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये सारी जो कंपनीज हैं ये सारी कंपनीज हैं वो क्या है महारत्नास में आती हैं। ठीक है, जिन्होंने जो मैंने ऊपर कंडीशंस बताई है महारत्ना जी इन्होंने फुलफिल किया है तो ये महारत्ना के इनको दर्जा दिया गया है। जैसे कि ये क्या है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, ये IOCL और ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL और ये BPCL, तो ये कंपनी कौन सी है ये महारत्नास है। अगर हम बात करते हैं नवरत्ना की तो नवरत्नास में ये आती है कंपनी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये हो गया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
इस तरह से जितने भी ये HPCL भी इसमें आती है और MTNL, नालको, ये सारे कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब नवरत्नास में आती हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं वो नवरत्ना में आते हैं। इसी तरह से हमारी क्या मिनी रत्ना भी हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड। तो देखो इसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये क्या PSNL भी हमारा मिनी रत्ना में आता है, और ये सारी बहुत कंपनीज दी हुई हैं, ये सब मिनी रत्ना फर्स्ट की हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्या है, कुछ मिनी रत्ना सेकंड की कंपनीज हैं, ये मिनी रत्ना सेकंड की कंपनीज दी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, PSUs क्या होते हैं। और मैं इनको बता दूं कि इनमें अगर आपको जॉब करना है तो जो बेसिक्स होता है आपका इंजीनियरिंग के बाद, अगर आप ग्रेजुएट्स करते हैं, ग्रेजुएट्स के बाद आप गेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। गेट का एग्जाम्स क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है गेट के बारे में, आप वहां से जाकर उसका वीडियोस देख सकते हैं। तो गेट का एग्जाम आप देंगे तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसका इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू आपकी, अगर आपका अच्छा रैंक होगा, अच्छा स्कोर होगा, तो डिफरेंट जो महारत्नाज और नवरत्नाज कंपनियाज हैं उनका आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर आएगा, आप इंटरव्यूज के लिए वहां पर जाएंगे। और इंटरव्यूज के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और कहीं पर GD या GT भी होता है, वहां पर वो प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट का, वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं आप और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आप अलाउ करेंगे। तो आई होप आपको PSUs के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको गेट से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे, नॉन टैक्स गेट से एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, और सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।